माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू, क्योंकि मैंने आपको जब सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जे एंड के पढ़ाया था, तब मैंने आपको बहुत सारी किताबों का जिक्र किया था। इसमें से मैंने बताया था जो हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं वो दो बुक से हम पढ़ते हैं, या वो राजतरंगिणी से पढ़ते हैं, जो दो हिस्सों में डिवाइड है, राजतरंगिणी एरा प्रे और प्रे राजतरंगिणी एरा। ठीक, अब मैंने बताया था वहां पर जो जम्मू की हिस्ट्री है वो हम पढ़ते हैं राजदर्शिनी से। तो राजदर्शिनी से हम पढ़ते हैं, जो किसने लिखी है, गणेश दास ने इन 1847। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सॉरी अगर मुझे कोई प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, मेरा जो खुद का ताल्लुक है वो मतलब मेडिकल स्ट्रीम से है, तो अगर किसी जगह पे मुझे मतलब प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना। ठीक, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे राजदर्शिनी, जो राजदर्शिनी है वो है बुक, वो किसने लिखी है, वो गणेश दास ने लिखी है। कब? 1847 में लिखी है। ठीक, ये जो है ये एज पर राजदर्शिनी जो अग्निगेयर जो है वो फर्स्ट एम्पायर रूल जिसने किया है वो है अग्निगेयर। ठीक, अब देखते हैं एक्चुअल में जम्मू नाम कैसे आया। तो बहुत सारे मतलब हिस्ट्रिकल इवेंट, बहुत सारे हिस्ट्री है इसमें, मतलब एक बाहुलाचन हम अभी पढ़ेंगे, जम्मू लाचन की कहानी, तो जम्मू लाचन की एक भी कहानी है जहां से ये बताते हैं कि जम्मू नाम कैसे पड़ा। तो दूसरे यहाँ पे जो मतलब हम आगे वो पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है कश्मीरी ब्राह्मण सेक्टर जो है वो सेटल हुआ है जम्मू में, फिर उसका नाम जम्मू मर्ग पड़ा, फिर जम्मू परस्तान जो है जम्मू पर इसी का जम्मू मर्ग का नाम जो है वो चेंज होके जम्मू परस्तान हो गया। ठीक, उसके बाद आगे आगे इसका नाम क्या पड़ गया, जम्मू पड़ गया। तो ये है हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जम्मू नाम कैसे पड़ गया, ये एक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अभी इसकी जम्मू लोचन की जब हम कहानी पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, और सेकंड क्या मतलब मिथ्स हैं, क्या मतलब ये बोलते हैं कैसे इसका नाम पड़ा है जम्मू। ठीक, इसके बाद जो फर्स्ट जो डायनास्टी आती है हिस्ट्री ऑफ जम्मू की वो है सूर्यवंशी डायनास्टी या अग्निगिर डायनास्टी। अब तो ये समझ आता है अग्निगिर डायनास्टी क्यों नाम पड़ा है, ये तो समझ आता है कि अग्निगिर डायनास्टी क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एम्पायर था वो अग्निगिर था, लेकिन ये सूर्यवंशी डायनास्टी क्यों नाम पड़ा है, आइए इसके मुताबिक पढ़ते हैं। जो उदियाज किंग जो था, उस जो वहां का किंग था उसका नाम था सदरशानी, वो उदिया किंग था, जो 21th डिसेंडेंट था किसका, लॉर्ड रामा ऑफ उदैया, यानी उदैया का किंग, जो उदयन्स किंग थे उसके दो बेटे थे, एक का नाम था अग्निवर्णा, दूसरा का नाम था अग्निगिर। ठीक, और जब ये उदयन्स किंग यानी ये सुदर्शाना जो किंग है, जब इसकी मृत्यु हुई यानी इसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो अग्निवर्णा था ये किंग बना किसका, उदैया का क्यों किंग बना, वो कौन सा बना, अग्निवर्णा। और अग्निवर्णा जो किंग बना तो इसके बाद जो इसका ब्रदर होता है दूसरा अग्निगिर, ये माइग्रेट करता है शिवालिक हिल्स की ओर। अब कहानी क्या है, क्यों ये करता है माइग्रेट, क्योंकि इसके पास अपना साम्राज्य, अपना किंगडम होता है, फिर क्यों ये करता है यहाँ पर, मतलब अग्निवीर क्यों माइग्रेट करता है, ये कहानी है। तो इससे बहुत कहानियां हैं, एक कहानी ये भी है कि जो ये अग्निवर्णा जब किंग होता है, किंग ऑफ उदैया, तो उसके बाद जो इसकी मतलब वाइफ होती है वो किंग बन जाती है, क्योंकि इसका कोई बेटा ही नहीं होता है,
तो इसकी वजह से इसको भी शायद कुछ नाराजगी होती होगी। तो इसके बाद ये शिवालिक हिल्स की ओर माइग्रेट करता है। अब इससे हमें कुछ नहीं, मतलब क्यों करता है, पर करता तो है अग्निगिर माइग्रेट शिवालिक हिल्स की ओर। शिवालिक हिल्स कुठवा जो लोअर बैंक ऑफ रवि तवी रवि रेवा की ओर है। ठीक। अब जो किंग ऑफ कंगारा था, जो किंग ऑफ कंगारा था, किंगारा का जो किंग है, जब उसको पता चलती है कि ओयदिया का जो ये है, मतलब ओयदिया का मतलब जो ये इनका जो इन किंगडम का जो जो अग्निगीर है जो इसका मतलब ये सन है, वो यहाँ पे आ गया है। तो ये क्या करता है, ये मतलब इसको बुलाता है और अपनी बेटी दे देता है, उसको अपनी बेटी दे देता है। कौन? किंग ऑफ कंगारा। कंगारा उसको अपनी बेटी दे देता है और कुछ लैंड ऑफर करता है कुथवा, जिसको प्रेजेंट डे कुथवा कहते हैं, जो कहाँ पर लोकेट है, लोअर बैंक्स ऑफ रेवी रिवर। ये इसको कुछ मतलब अपनी बेटी, एक तो अपनी बेटी देता है और कुछ थोड़ा सा लैंड भी दे देता है। यहां तक कहानी क्लियर। इसके बाद जो पहला किंगडम अब यहां से स्टार्ट होता है वो है किंग अग्निगिर। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा सूर्यवर्षी डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इसका ये किसका बेटा था, सूर्याशाना का बेटा था, इसीलिए इसको सूर्यवर्षी डायनेस्टी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट होता है वो कौन होता है, वो होता है किंग अग्निगिर। किंग अग्निगिर जो है वो होता है फर्स्ट एम्पायर रूलर ऑफ जम्मू, जिसको माना जाता है। ठीक। और इसने क्या किया, जब ये जम्मू का मतलब इस थोड़े से एरिया में आ गया, और आफ्टर द डेथ ऑफ किंग ऑफ कंगारा की डेथ के बाद, इसके डेथ के बाद ही डिफेक्टेड लोकल किंग्स एंड लैंडेड बपनागिरी तक ये अपना रोल जमाता है, और जो लोकल किंग्स होते हैं इनको ये हराता है और अपनी किंगडम को अब मजबूत करने की कोशिश करता है। अपनी जो एरिया है वो अब मतलब ज्यादा ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, और ये रूल करता है पुष्पावती एंड अरा अरावा अरावा और पुष्पावती के एरिया में भी रूल करता है। कौन? किंग अग्निगर। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा किंग वायुश्रावा। जो होता है वो होता है सन सन ऑफ अग्निगिर। अग्निगिर का जो बेटा होता है वो होता है किंग वशुरावा। ठीक। अब ये सक्सेसफुल यहाँ का दूसरा जो है एम्पायर बनता है, किसका, जम्मू का। और ये एक्सटेंड अपना जो एरिया है, अपना जो एम्पायर है, ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक, उज्जा तक। उज्जा जो है, उज्जा एरिया है, उज्जा एरिया तक ये अपना एम्पायर एक्सटेंड करता है। और ये शादी करता है एरा देवी से ये शादी करता है। ठीक। कौन? किंग युशर रावा। ठीक। और इसकी जो एरा देवी है, ये यंग एज में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, और ये एक टावर बनाता है अरावती, जिसको फिर अरावान के नाम से जाना जाते हैं। अरावती क्यों ये बनाता है, अपनी बीवी की याद में, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, ऐसे ही एक टावन जिसका नाम मतलब एक टावन बसाता है अरा देवी के नाम से, जिसका वो नाम रखता है अरावती, फिर अरावान उसका नाम पड़ता है। इसके बाद कुछ और एम्पायर्स आते हैं, कुछ और किंग्स आते हैं, जैसे पुराण सिंह आता है, लक्ष्मण आता है, काद जोश आता है, अग्निगर्भ आता है। अग्निगर्भ जो है ये अपने एम्पायर को फिर एक्सटेंड करता है, फिर अपने एक्सटेंड करता है अपने एम्पायर को अप टू द रिवर तवी। और जो अग्नि अग्निगर्भ होता है, इसके 3 सन्स होते हैं और 3 वाइव्स होते हैं, यानी 3 बीबियां होती हैं और 18 सन्स होते हैं इसके इस अग्निगर्भ के। ठीक। और अग्निगर्भ के जो 2 सन्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं, वो मशहूर हैं, एक है बहुलोचन, एक है जुम्मूलोचन। ठीक। जुम्मूलोचन और बहुलोचन जो है वो प्रोमिनेंट है। अब हम पढ़ते हैं और कहानी के और बहुलोचन और जुम्मूलोचन की कहानी
अब हम स्टार्ट करने, अब हम देखते हैं और कहानी की ओर। हमने देखा कि जो अग्निगर्भा था उसके 18 सनस थे और 3 वाइवस थे यानी बीविया थी। अब हम देखते हैं इसके 2 जो है मैंने बोला आपको प्रोमिनेंट है, मशहूर है, एक है बहुलोचन एक है जम्बुलोचन। अब हम देखते हैं बहुलोचन की ओर। तो बहुलोचन वॉज अ सन ऑफ अग्निगर्भा, अभी हमने देखा यह था सन ऑफ अग्निगर्भा और इसने फाउंड किया एक टावर, दरनागिरी टावर जो है, दरनागिरी टावर जो है वो फाउंड किया है बहुलोचन ने। और इसने और एक टावर मतलब फाउंड किया, 2 टावर्स फाउंड किए, एक था दरनागिरी एक था बहुनगर, दरनागिरी और बहुनगर। और इसने अपने दौर खिलाफत में यानी अपने टाइम में इसने क्या किया, कैपिटल जो बहुनगर जो मतलब याद है जो कैपिटल थी वो थी पहले कहां, अरिवान से इसने दहरानगरी की ओर कैपिटल को चेंज किया, यानी अरियान से जो कैपिटल थी वो पहले अरियान में थी, तो इसने इसको चेंज करके दहरानगरी में लेके गया। ठीक, यहां तक समझ आया। फाउंड 2 टाउन्स उसने फाउंड की, एक था दहरानगरी और बहुनगर, और कैपिटल जो था वो अरियान से लेके उसने चेंज किया दहरानगरी की ओर। ठीक, और बहु फोर्ट जो आपने सुना भी होगा, मशहूर भी है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी है। तो बहु फोर्ट जो है जो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी है, तो वो भी किसने बनाया, किसके दौर में बनाया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुलोचन। और उसने एक सिटी भी, यहां तो टावन था यहां तो सिटी है, एक और सिटी भी फाउंड की जिसका नाम था बहुनगर, जिसका नाम था बहुनगर। और कन्फ्लैक्ट में ये डेथ हुआ उसकी मृत्यु, उसकी डेथ हो जाती है जब ये राजा ऑफ सियालकोट जो है जिसका नाम था चंद्रहस जो है वो राजा ऑफ सियालकोट का होता है इस टाइम, सलकोट का, तो इसकी मृत्यु इसकी डेथ हो जाती है इस कन्फ्लैक्ट में। ठीक, और इसके बाद आता है इसका यंगर ब्रदर जिसका नाम है जम्बुलोचन की कहानी। तो मतलब हिस्ट्री ऑफ जम्मू से भी मतलब बहुत मुंसलिक है, आपने सुनी भी होगी ये कहानी, मतलब जम्मू नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा 8th क्लास के उर्दू में भी आता है, तो बाकी जगहों पे आपने भी सुना होगा कि जो जम्बुलोचन है वो जो जम्बुलोचन है इसने मतलब यहाँ पे यंगर ब्रदर जो है उसकी मृत्यु होगी यानी उसकी डेथ होगी, उसकी मतलब बहुलोचन की डेथ होगी, तो इसके बाद इसके यंगर ब्रदर आया इसका नाम है जम्बुलोचन, इसको इसने क्या किया, इसने जो राजा था सलकोट का इसने इसको किल किया, इसने जब इसको किल किया तो ये बन गया पावरफुल किंग ऑफ बहुनगर। सिंपल सी बात है, जब इसकी मतलब इसकी डेथ हो गई इसकी ब्रदर की, अब इसने इनके इंतकाम लिया, उसको खत्म कर दिया, तो सिंपली ये प्रोमिनेंट ये क्या हुआ, ये जो है ये मशहूर होगा, इसका इसका पावरफुल मतलब पावरफुल किंग बन गया। और फिर क्या होता है, एक बार ये क्या जाता है, एक बार ये शिकार, इसका शिकार करने का बहुत बड़ा मन होता है, शिकार करने का बहुत बड़ा शौक होता है, शायद पहले लेक्चर में भी आपको मैंने ये कहानी सुनाई थी। तो वहां पे ये क्या करता है, एक दफा ये जाता है शिकार करने के लिए, वहां पे टाइगर और गोट के एक रिलेशन देखते हैं, वो एक तालाब की ओर जाता है, वहां पे ये देखता है गोट और टाइगर जो है एक ही तालाब में पानी पी के चले जाते हैं, तो इसको ये मतलब बात जो है ना अपने मन में जा रही है, तो ये सोचता है अब मैं ये मतलब फिर ये रहम दिल बन जाता है, बादशाह बनता है, और ये इस शहर का नाम रखता है जम्बू इसका नाम पड़ता है। तो यहां से भी कहानी बनती है कि ये जम्मू नाम कहां से बन गया है। और फिर इसके बाद आता है इसका जो सन होता है पुरनकर्ण जो है वो बेटा होता है किसका, जम्बुलोचन का। ठीक, इसने कैपिटल जो है यहाँ पे बहु की मतलब जो बहु में उस टाइम कैपिटल थी, ठीक, तो इसने इसको चेंज करके जम्मू में लेके गया, कौन, परम
कर्म ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि किसने बहु से लेके शिफ्ट किया है कैपिटल, वो है परम कर्म। और जब पुराण 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 कर्म ने जब शिफ्ट किया है इस कैपिटल को, तो जम्मू जो है ये फेमस हो गया, ये मशहूर होने लगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसके दो बेटे होते हैं, दयाकर्म एंड धर्माकर्म, दयाकर्म और धर्माकर्म। और जो दयाकर्म होता है ये एज पर तवारीख हसन हमारे पास एक बुक है, तो जहां पे ये क्या करता है, ये इस टाइम में अपनी ये बनता है एज अ रूलर, कौन, दयाकर्म। तो ये अपना फोर्स जो है कश्मीर भेजता है और कश्मीर को अपने अंडर मतलब लाता है, कंकर करता है कश्मीर को। और इस टाइम पे जब ये कश्मीर में खुद रूल करता है दयाकर्म, और जो धर्माकर्म होता है उस टाइम वो रूल करता है जम्मू में, और जो दयाकर्म ये खुद करता है रूल कश्मीर में, धर्माकर्म करता है जम्मू में, दयाकर्म करता है कश्मीर में। और इसका जो रूल है, दयाकर्म ने जो फोर्स यहाँ पे मतलब भेजा है और कंक्योर किया है कश्मीर में, वो कब तक रहता है, 1653 ईयर्स तक ये लोग पूरे जम्मू एंड कश्मीर पे रूल करते हैं। और इसके बाद आता है कर्तिकर्म, इसके बाद आता है अग्निकर्म, इसके बाद आता है शक्तिकर्म, इसके बाद आता है शक्तिकर्म, बाकी रूलर्स हैं। शक्तिकर्म हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। शक्तिकर्म जो है इसने जो अपनी एम्पायर है वो पीर प्रजार रेंज यानी बानीहाल तक एक्सटेंड करी है, और ये एक्सटेंड करता है अपनी जो इसकी सल्तनत होती है, जो एम्पायर होता है या जो रूल होता है, ये इसको कहां तक लेके जाता है, ये इसको लेके जाता है पीर प्रजार रेंज तक। और ये एक कैलेंडर अपने दौर में जो शक्तिकर्म है एक कैलेंडर भी निकालता है जिसका नाम है शस्त्रा इरा। और ये जो इसका टाइम कब होता है, जब रूलिंग ज्यूरिंग द महाभारता इरा, जब महाभारता इरा मतलब उसकी दौर में महाभारता इरा पीरियड चलता है। तो ये थी कुछ मतलब जो हमने किंग्स के और पढ़े हैं कुछ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो मिलते हैं मतलब यहाँ का जो लेक्चर है यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म, मैं हूँ अयाज अहमद, और आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पांडवास एम्पायर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था अग्निवीर डायनास्टी, तो हमने वहां पर देखा जो उनका ये लास्ट जो था किंग शिव प्रकाश जो था वो था लास्ट रूल ऑफ अग्निवीर डायनास्टी, जहां पे हमने जम्बुलोचन बाहुलोचन के बारे में पढ़ा था। तो वो जो डायनास्टी है वो खत्म हो गई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट डायनास्टी की ओर, यानी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पांडवास एम्पायर। द किंग शॉल ऑफ सेल को डिफ्यूटेड शिव प्रकाश। प्रकाश जो महाभारत वार हुआ था वहां पर जो हमारे पास एक ये था किंग शिवाल था, इसने डिफ्यूटेड शिवा प्रकाश, जो शिवा प्रकाश है इसको डिफ्यूट किया गया, यानी इसको मतलब वहां पे हरा दिया गया। यहां से हमारे जो अग्निगर डायनास्टी होती है खत्म होती है, तो यहाँ पे आती है पांडास डायनास्टी। और जो पांडास डायनास्टी है आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शाल, जो यहाँ पे गवर्नर होता है वो कौन बनता है, बबरू वाहन वो बनता है नेक्स्ट गवर्नर आफ्टर द किंग शाल। तो इसके बाद ये फाउंड करता है एक टावन जिसका नाम है बाबर। बाबर जो है फाउंड टावन करता है, कौन करता है बबरू वाहन। इसके बाद जो वो पांडास एम्पायर जो हमारे पास है, या जो पांडास रूल है, या जो पांडास डायनास्टी है, ये जो पांडास रूल है सॉरी ये कहां तक जाता है, ये रूल करते हैं यहाँ पे 500 ईयर्स तक। कितने टाइम के लिए, 500 ईयर्स तक। इसके बाद तो सिंपली जब ये 500 ईयर्स तक रूल करते हैं यहाँ पे, तो सिंपली वहां पे जो किंगडम होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकली, फिर जो लोकली करेंस एंड ट्रेवल चीफ, यहाँ पे जो है छोटे छोटे डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे किंगडम उसमें, और मतलब 500 ईयर्स के बाद, ठीक, 500 ईयर्स रूल करने के बाद। इसके बाद आते हैं जो हमारे पास
अगेन अग्निगिर डायनास्टी। यहाँ पे जो अग्निगिर डायनास्टी खत्म हो गई थी, जो शिव प्रकाश ने जो हारा था यहाँ पे महाभारत वार में, अब वो फिर आ रही है हमारे पास, एक और बार आ रही है हमारे पास अगेन अग्निवीर डायनास्टी का मुस्किया एज पर द गुलाम नामा। एज पर द गुलाम नामा दैट इज अ बुक दैट वाज रिटन बाय द देवात करपराम ने जो बुक लिखी थी गुलाम नामा, जो हमारे पास दो ये रूलर्स यहाँ पे ज्योति प्रकाश एंड सर्वा प्रकाश जो हैं, जिसको हम और गिनकी नाम से पुकारते हैं जयदेव एंड श्री प्रकाश, जो इसका नाम है इसको हम जय प्रकाश जयदेव भी कहते हैं, सर्वा प्रकाश जो है इसको श्री प्रकाश भी कहते हैं। यानी जो दो होते हैं ज्योति प्रकाश और श्री प्रकाश ये है, ये क्या करते हैं, ये फिर आते हैं अग्नि ये आते हैं फिर ये अपने कब्जे में कंकर करते हैं जम्मू को, फिर कंकर करते हैं जम्मू को, जो यहाँ पे डिसेंडर्स होते हैं किंग शिवा प्रकाश के। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कुछ और रूलर्स आते हैं, जैसे हमारे पास ज्योति प्रकाश है, पुष्पा प्रकाश है, रतन प्रकाश है, बसवान प्रकाश है, और बहुत सारे यहाँ पे हैं वर्मा प्रकाश है, बली भरण है। तो बली भरण है जो लास्ट रूलर है इस डायनास्टी का, अगेन अग्निगिर डायनास्टी, इसका जो लास्ट रूलर होता है वो होता है बाली भरण। अब यहाँ पे जब हमारे पास आता है वर्मा प्रकाश, जो उसका रूल जब चलता है यहाँ पे, तब जो है जम्मू में फ्लड्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पे और एक डायनास्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम है राजा बुद्ध डायनास्टी। ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, 500 to 143 BC तक यहाँ पे जम्मू में क्या होता है, राजा बुद्ध डायनास्टी स्टार्ट होती है, जिसका पहला रूलर होता है राजा बुद्ध अर्जुन, जो 520 में आता है, जो इस बाली वर्ण को हरा के यहाँ पे कंकर करता है इस जम्मू को। ठीक, और ये अपने दौर का पावरफुल मतलब माना जाता है, ये डायनास्टी जो है पावरफुल डायनास्टी मानी जाती है, और ये रूल खुद करता है रूल फॉर 80 years तक ये रूल करता है, और जिसको क्लियरली इसके रूलर्स ये खुद भी राजदर्शनी में क्लियरली मौजूद हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, ये कंकर करता है, ये अपने अंडर लेता है कहाँ कहाँ, बंगाल एंड कर्मा रूपा और जो बंगाल है ये यहाँ तक ईस्ट के साइड से अपने अंडर करता है, ऐसे ही कन्याकुमारी एंड श्रीलंका और साउथ साइड से अपने अंडर करता है, इसी तरह से गुजरात सिंह मुल्तान जो है अपने अंडर करता है। मतलब ये कि राजा बुद्ध डायनास्टी जो है ये अपने एम्पायर को अपने रूल को बढ़ाता है, अपने कैरियर को बढ़ाता है, और फिर ये मैरिड ये एक शादी किससे करता है, एक श्रीलंकन प्रिंस से ये रूल करता है, इसका रूल जो है चलता है 37 years तक इनका रूल चलता है, मतलब इनका रूल जो है ये खुद रूल करता है मतलब बहुत सारे टाइम के लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं और आगे, अब देखते हैं मतलब राजा बुद्ध डायनास्टी के और जाते हैं, अब देखते हैं बाकी इसके मतलब कुछ खासियत। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राजा बुद्ध डायनास्टी जो है इसने जम्मू में 357 years तक राज किया है, कितने years तक, 357 years तक, और जो जम्मू है जो जब रूलर्स आते रहे इस दौरान क्या है, कभी कभी जो है ना वीक भी हो गई है मतलब उनकी सल्तनत है हुकूमत, फिर जो जम्मू है ये जम्मू बिकम पार्ट ऑफ पंजाब सियालकोट एंड तलशाला जो है मतलब पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, जो दामोदर दत्त था इसने इसको रियूनाइटेड इसने किया, मतलब उसको दोबारा से जोड़े, फिर इसको दोबारा से जोड़े इन पार्ट्स को, जम्मू के रीजन से जो डिवाइड हुए थे पार्ट्स इन सबों को एक साथ जोड़े, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है किसने जोड़े हैं, दामोदर दत्त ने। और इसके बाद जब अलेक्जेंडरस इन्वेंशन होता है यहाँ पे, तो फिर जो है ये अपना बहादुरी से जो दामोदर दत्त है अपनी बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन बहादुरी दिखाते ये मतलब इसको ये खत्म किया मतलब खत्म हो जाता है यहीं पे, इसकी मृत्यु यानी इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसका जो बेटा है अजय सिंह आ जाता है रूल करने के लिए, और अजय सिंह का रूल के बाद यहाँ पे जो रामा गुप्ता आता है और ये रहता है इसका लास्ट लास्ट रूलर ऑफ
लास्ट रूल रहता है, और इसके बाद यहाँ से हो जाती है स्टार्ट हमारी राय डायनास्टी। इसके बाद हो जाती है स्टार्ट राय डायनास्टी। ठीक, जो फाउंडर होता है इस राय डायनास्टी का, फाउंडर जो राय डायनास्टी का होता है वो कौन होता है? वो होता है आदि राय जो है वो है फाउंडर ऑफ राय डायनास्टी, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर टू रूल जम्मू। फर्स्ट रूलर जो इंडिपेंडेंट रूल करता है वो होता है आदि राय, और ये जो है 40 ईयर्स तक रूल करता है। कितने ईयर्स तक? 40 ईयर्स तक रूल करता है। इसके बाद इसका सन आता है देवराज। इसके बाद जो इसका सन आता है वो है देवराज। फिर इसके डिसेंडर्स आते हैं, नाइन रूलर्स आते हैं, जैसे गधराप राय, कदम राय, करण राय, सिंह राय। इसके बाद आता है दूध राय। इसके बाद जो लास्ट रूलर आता है वो होता है जोग राय। जो इसके बाद जो लास्ट रूलर होता है वो होता है जोग राय। जो जोग राय होते हैं वो लास्ट रूलर ऑफ राय डायनेस्टी होते हैं। इसके दो बेटे होते हैं जोग राय के, एक होता है मनहन हंस जो फार्म करता है क्या मनहस ट्रैक, और ये सेटल होता है सियालकोट में, एक सेटल होता है सियालकोट में। दूसरा होता है सूरज डहर जो है इसकी डहर डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ये अपना मतलब डायनेस्टी यहाँ पर क्रिएट करता है डहर डायनेस्टी, क्योंकि होता है इसका बेटा जो राय का बेटा। तो यहाँ से हमारा राय डायनेस्टी जो है खत्म होती है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट डहर डायनेस्टी से। तो बनी रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म, मैं हूं अनास अहमद, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जो ये हमारा कंटिन्यूअस लेक्चर चल रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डहर डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था राय डायनेस्टी के बारे में, हमने देखा राय डायनेस्टी जो था उसके हमने लास्ट में देखा था दो मतलब हमने देखा था एक यहाँ पे जो डहर डायनेस्टी के जो मतलब लास्ट रूलर आया था इसके दो बेटे थे, एक था सूरज डहर एक था मुल्हन डहर। मुल्हन डहर जो है वो सेटल हुआ था। अब जो यहाँ पे बचा वो बचा सूरज डहर। अब हम पढ़ते हैं डहर डायनेस्टी, यहाँ से शुरुआत होती है, राय डायनेस्टी खत्म होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है एक और नई डायनेस्टी के साथ। हम पढ़ने जा रहे हैं डहर डायनेस्टी। डहर डायनेस्टी का जो फर्स्ट फाउंडर रूलर माना जाता है वो है सूरज डहर। सूरज डहर जो है ये फर्स्ट डहर डायनेस्टी का रूलर है, जो 430 AD टिल 485 AD तक इसने क्या किया, इसने रूल किया, और 55 ईयर्स तक इसने रूल किया। ये भी तो सम एक्सटेंड है, ये भी ठीक ही पावरफुल रूलर था। तभी तो खुद भी इसने 55 ईयर्स तक रूल किया। और पीर रोशन शाह वली जो है वो जो अरब का एक विजिटर था, ठीक, अरब का एक साइट था, ठीक, वो इसके दौर में यहाँ जम्मू में आया। किसके टाइम पे? सूरज डहर के टाइम पे वो अरब से जम्मू आया, जिसका श्राइन कहाँ पे है? गोमत जम्मू में। यहां तक क्लियर? तो इसके बाद यहाँ पे जनरल अटैक्स हुए, और फिर क्या हुआ इसके बाद? बहुत सारे इसके रूलर्स आए मतलब सूरज डहर के बाद, जैसे गंगा डहर आया, देवाला डहर आया, शरका डहर आया, करत डहर आया, बजार डहर आया। और बजार डहर जो था ये कब 840 AD तक कौन रहा? बजार डहर जो है ये लास्ट रूलर ऑफ डहर डायनेस्टी माना जाता है। यहां तक हमने पढ़ा सूरज डहर जो था फाउंडर ऑफ डहर डायनेस्टी था, जो 430 AD में मतलब इसने फाउंड किया है डहर डायनेस्टी, टिल 485 AD तक, 55 इयर्स तक इसने राज किया, ठीक। अब जो है यहाँ पे सर्वल अटैक्स हुए, यहाँ पे जब डहर डायनेस्टी बजार डहर जो है यहां तक रूल करते करते जो इनकी डहर डायनेस्टी है ये वीक होती गई। तो जब ये वीक होती गई तो सिंपली जो बाकी जो नेबरिंग साइड्स थे उसके नेबरिंग में, जैसे पुंछ था, जैसे कश्मीर था, या आउटसाइड इन नेबरिंग कंट्रीज ने उनको मतलब ये
अटैक्स करने शुरू कर दिए और लास्ट पे क्या होता है, सूरज देव यहां पे आ जाते हैं, एक और डायनास्टी देव डायनास्टी। दहा डायनास्टी की बात आती है यहाँ पे, देव डायनास्टी, रेड रा डायनास्टी, फिर आते हैं दहा डायनास्टी, दहा डायनास्टी की बात आती है देव डायनास्टी। अब हम देखते हैं देव डायनास्टी, जो देव डायनास्टिक है ये मिडिवल जम्मू रूलर्स, इन्होंने मतलब मिडिवल हिस्ट्री में एक अपना नाम कमाया है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रूलर्स थे, स्ट्रांगर डायनास्टी। तभी तो इतने रूलर्स ही, मैंने किसी रूलर के बारे में नहीं लिखा, यहां से यहां तक मैं रूलर्स के नाम ही लिखता जा रहा हूं, यानी कि इसका मतलब ये हमें दिखाता है कि ये स्ट्रांगर रूलर जो थे, मतलब स्ट्रांगर डायनास्टी थे, स्ट्रांगर डायनास्टी थे। जो ये फाउंडर था इस देव डायनास्टी का, वो था सूरज देव, सूरज देव यहाँ पे है, सूरज धर यहाँ पे है, सूरज देव, सूरज देव जो था वो था देव डायनास्टी और इसके दौर में। और ये जो है ना, मतलब देव डायनास्टी, अभी हम पढ़ेंगे आगे आगे जब इनके रूलर्स के मुताबिक देखेंगे अवतार जियास संग्राम देव, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपने मुकाबला किया, कितनी शिकस्त, मतलब कितने हमले हुए इन पे, कितने अटैक्स हुए इन पे, लेकिन ये डरे नहीं, ये हर एक अटैक का मुकाबला करने के लिए रेडी थे। तो तभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हम देखेंगे मुस्लिम इनवर, मतलब मुस्लिम साइड से भी उनपे अटैक होते थे उस टाइम पे। तो राइज ऑफ मुस्लिम पावर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसी दौर में जब देव डायनास्टी चल रही थी, उसी दौर में जो मुस्लिम पावर्स आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की ओर, अभी हम आगे भी देखेंगे कि मुस्लिम जो रूलर्स थे इन्होंने भी अटैक यहाँ पर किया। ठीक, अब हम देखते हैं रूलर्स के कुछ, कौन कौन सा रूलर जो था जो देव डायनास्टी में आया है। एक पहला जो फाउंडर जो रूलर है वो था सूरज देव, सूरज देव वाज अ फाउंडर एंड रूलर ऑफ द देव, फर्स्ट रूलर ऑफ द देव डायनास्टी। सूरज देव के बाद आया ब्रिज देव, सूरज देव के बाद जो आया वो था ब्रिज देव, उसके बाद था अवतार देव, इसके बाद था जेस देव, इसके बाद था संग्राम देव, इसके बाद था दशाकारा देव जिसको हम चक्कर देव भी बोलते हैं, इसके बाद आया ब्रिज देव, इसके बाद आया नरसिंह देव, इसके बाद आया अर्जन देव, इसके बाद आया जुद देव, इसके बाद आया माल देव, इसके बाद आया हमार देव, इसके बाद आया अजब देव, इसके बाद आया ब्रह्म देव, इसके बाद आया गुहर देव, इसके बाद आया कपूर देव, इसके बाद आया जग देव, इसके बाद आया संभाल देव, इसके बाद आया भूपत देव, इसके बाद आया हरि देव, इसके बाद आया गाजी सिंह, इसके बाद आया दहरू देव, इसके बाद आया महाराजा रणजीत सिंह, इसके बाद आया ब्रज राज देव, इसके बाद आया संपूर्ण देव, इसके बाद आया जीत सिंह। जो जीत सिंह था ये था लास्ट रूलर ऑफ देव डायनास्टी, यानी मेडिवल जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू है ये बरी हुई है देव डायनास्टी। अब हम देखते हैं यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने पढ़ा दहा डायनास्टी का फर्स्ट रूलर जो था वो था सूरज दहर, जिसने 55 ईयर तक यहाँ मतलब जम्मू में रूल किया है 430 एडी से लेकर 485 एडी। फिर यहाँ पे उसी टाइम पे आया फिर रोशन शाह वली जो अरब सैन था जिसका श्राइन था गोमत जम्मू में, इसके बाद गंगा इसी डायनास्टी के गंगा दहर, देवाला दहर और शाका दहर, उसके बाद आया करत दहर, इसके बाद आया बजार दहर। बजार दहर जो था वो 840 एडी तक इसने रूल किया और जब ये वीक होते गए फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर डायनास्टी आई जिसका नाम है देव डायनास्टी, जिसका फाउंडर सूरज देव था और इसी टाइम मुस्लिम का जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राइज हुआ था। फिर आया यहाँ पे फर्स्ट रूल आया सूरज देव, ब्रिज देव, अतवार अवतार देव, जस देव, संग्राम देव, जसकारा देव जिसको हम चक्कर देव बोलते हैं, ब्रिज देव, नरसिंह देव, अर्जन देव, जुद देव, माल देव, हमार देव, अजब देव, बहरम देव, गोहर देव, कपूर देव, जग देव, संभाल देव, भूपत देव, इसके बाद आया हरि देव, गाजी सिंह, दुरो देव, महाराजा रणजीत सिंह, ब्रज देव, ब्रिजराज देव, इसके बाद आया संपूर्ण देव, जीत सिंह जो था लास्ट रूलर। अब हम कुछ इन रूलर्स के मुताबिक पढ़ेंगे, तो ये मतलब अब हम देखते हैं देव डायनास्टी के रूलर के मुताबिक, मतलब जितना हमें इम्पोर्टेंट है जेकेएसबी और मतलब इस जेकेपीएससी के लिए तो उतना हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं
इससे सूरज देव से सूरज। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देव डायनेस्टी की ओर। देव डायनेस्टी को जो पहला रूलर था वो था सूरज देव जो है इसने 840 एडी में रूल स्टार्ट किया। ठीक, बजाज देव को उसने मतलब बजाज दहर जो था दहर डायनेस्टी उसको हरा दिया था और आया था यहाँ पे खुद रूल करने के लिए सूरज देव ने 840 एडी से रूल स्टार्ट किया। और जो सूरज देव था ये था फ्रेंड ऑफ हिंदू शाही रूल ऑफ काबुल। काबुल पाकिस्तान यानी काबुल जो है काबुल का जो हिंदू शाही रूलर था ये इसका दोस्त था और इसने बहुत सारे जंग जो है लड़े हैं किनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। किसने? सूरज देव ने बहुत सारे जंग किसके खिलाफ लड़े हैं, मुसलमानों के खिलाफ। और इसका वाइफ जो थी उसकी वाइफ जो थी बहुत ब्रेव तो ये सारे थे ही ब्रेव थे दाना थे। वाइफ जो थी नीला रानी थी उसकी वाइफ। ठीक, तो इसने अपने जो एम्पायर है इसमें इसने 7 डिपार्टमेंट रखे थे, उनका मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड रखा था जिनको वकील कहा जाता था। ये है सूरज देव के मुतालिक। सूरज देव ने 840 एडी में रूल करना स्टार्ट किया। इसका जो फ्रंट था वो था हिंदू शाही रूल जो काबुल का करता था। हा? तो इसने बहुत सारे मतलब जंग लड़े हैं अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स। हा? तो तब उस टाइम जो महमूद गजनी का बाप था उसी का रूल वहां पर चलता था। आगे हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक भी। और वाइफ जो थी उसकी इसका नाम था नीला रानी और इसने अपनी एम्पायर को डिवाइड किया था 7 डिपार्टमेंट्स में और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड हुआ करता था जिसका नाम है वकील। ठीक, उसके बाद आते हैं भुजदेव ने 70 ईयर्स तक भुजदेव ने रूल किया है। और जो ये था ये भी फ्रेंड था हिंदू शाही रूल ऑफ काबुल। अब यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, मतलब ये भी फ्रेंड था। अब तो लगता है तो ये सारे फ्रेंड थे मतलब हिंदू शाही था, ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे भी रूलर्स हैं जिन्होंने मुस्लिम के साथ फिर मतलब अपना मतलब एक हाथ बढ़ाया, फिर वो मुस्लिम उसके साथ अगेंस्ट नहीं बल्कि इन सपोजिशन में हो गए। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे भी रूलर्स हैं जैसे चक्रदेव हैं। तो फिर मतलब मोर देन 70 ईयर्स तक ब्रिटेन ने रूल किया और ये भी फ्रंट था शाही मतलब फ्रंट ऑफ हिंदू शाही रूल। और ये इसने भी सिंपल सी बात है तो इसने भी लड़ा किसके मतलब अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर। ठीक, कंटेम्परी ऑफ सबुत किन था बाप, ये था महमूद गजनवी। अब हम महमूद गजनवी कौन था यहां से, ये महमूद गजनवी का बाप था सुदुकिन। एंड हम पहले देखते हैं जो कंटेम्परी ऑफ सुदुकिन था वो था बिजुदेव। अब ये सुदुकिन कौन था, ये था महमूद गजनवी का बाप। और ये जो है ये जयपाल के मतलब सपोर्शन में मतलब यहाँ से मतलब सपोर्ट ऑफ जयपाल ही वाज किलर विथ सपोर्ट ऑफ जयपाल के मतलब सपोर्शन में ये लड़ रहा था कहाँ, काबुल में। और सुदुकिन ने उसको खत्म कर दिया। अब सुदुकिन जो था ये था महमूद गजनवी का बाप। अब महमूद गजनवी कौन था, महमूद गजनवी हम यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे महमूद गजनवी ने यहाँ पे मतलब कैसे इन्वर्ट किया थोड़ा सा हम देखेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठाएंगे फिर हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहां पे हम देखेंगे दिल्ली सुल्तानस, वहां पे हम देखेंगे महमूद गजनवी के बाद आया था उसका बेटा महमूद गोरी। हाँ, इसने सुमला टेम्पल जो है तो उसको लास्ट पे वहां पे अटैक किया था। उसके बाद उसकी हुकूमत आई थी महमूद गोरी का महमूद गोरी। फिर हम देखेंगे वहां पे स्लेव डायनास्टी में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन के ऐबक हम देखेंगे अल्तुतमिश के हम देखेंगे उसके बेटी मतलब रजिया, मतलब हम देखेंगे उसके मतलब पूरे अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे ये महमूद जो गजनवी था ये कहाँ था, ये हम पढ़ेंगे उसमें अरब कंट कष्ट द सिंह
वहां पे हम जब पढ़ेंगे अरब करण सिंह, वहां पे हम महमूद गजनवी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम याद रखेंगे इतना ही, मतलब महमूद गजनवी जो था तो मतलब उसके बाप के अगेंस्ट ये लड़ते लड़े मतलब इसकी मृत्यु ही डेथ हो गई। उसके बाद था करण देव था, ये था सन ऑफ ब्रिजदेव, और ये भी ऐसे ही मतलब हिंदू शाही रूल का काबुल का क्या था, दोस्त था। इसके बाद आता है अवतार देव, इसके बाद आता है अवतार देव, और ये भी सपोर्ट ऑफ सिंधु शाही था, सिंबोलिज्म कोर रिलीजियस इनका यही था, तो ये भी सपोर्ट करता था काबुल के इस हिंदू शाही को, मतलब शाही रूल को, तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से ये भी फाइट करता था अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स, अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स। और इसका जो ब्रदर था प्रहलाद जो था, ये विथ द सपोर्ट ऑफ जयपाल ये गया था कहां पर, काबुल में, लड़ते लड़ते इन दोनों की वहां पर मृत्यु भी हो जाती है, मौत हो जाती है, यानी अथवा देव भी वहां पर मतलब वो भी मतलब डेथ, इसकी भी डेथ होती है, और जो प्रहलाद मतलब सॉरी मतलब इसकी नहीं, अथवा देव की नहीं, अथवा देव की भाई जो है प्रहलाद देव की भी डेथ हो जाती है, और जयपाल के भी डेथ हो जाते हैं। लेकिन जो महमूद गजनी है उसको ये दिमाग में रहता है, और वो इसकी नजर कहाँ पे आ जाती है, जम्मू पे। और फिर क्या करता है महमूद गजनी को, अब ये दिमाग में रह गया कि अब जो इसको ये मतलब नागवार मतलब ये बात गुजरती है कि इसको अतवार देव को क्या जरूरत थी हमारे मतलब बीच लड़ने की। फिर क्या होता है, हलफ ऑफ गखर या खोखर आप कहो, जो शिवलाक टेरिटरी में रहते थे उस टाइम, उसकी मदद से, उसकी हलफ से बहुत खतरनाक लोग हुआ करते थे उस टाइम, बहुत सारे मतलब ये करते थे, रूलर्स को खत्म किया है उन्होंने, तो बहुत सारे मतलब हम बोलेंगे पावरफुल मतलब एक टेरिटरी मानी जाती थी। तो हलक ऑफ जो गखर बोलो या खुखर, तो जो शिविक टेरिटरी की ओर रहते थे, इनकी मदद से महमूद गजनवी ने यहां पे अटैक करना चाहा था, फर्स्ट अटैक, ठीक। लेकिन जो गंगारा है, मंगरा है, चंबा है, बसोली है, इनके सपोर्ट मतलब अतवार देव को सपोर्ट किया, और ये जो है ये फिर यहाँ पे मतलब डिफीटेड, तो बट डिफीटेड मतलब ये यहाँ पे हार गया था। उसके बाद इसने बहुत अटैक्स किए, बस सेकंड मतलब फेस सर्वर अटैक, जो अतवार देव है इसने बहुत सारे अटैक्स को फेस किया है, और जब सेकंड मतलब सेकंड टाइम यहाँ पे महमूद गजनी आया, और पेशावर में एक बैटल हुआ था, मतलब बैटल ऑफ पेशावर, ठीक, और इसको मतलब 1001 AD में, तो फिर ये हार मतलब जीत नहीं पाया, तो महमूद गजनी जीत गया। तो इसके बाद आता है यहाँ पे जसदेव, इसके बाद आते हैं जसदेव। जसदेव 1030 से 1053 यहाँ पर रूल करता है, जो ये आता है 1997 में महमूद गोरी हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेता है 1997 में, हम देखेंगे उसमें मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो फिर फाउंड करता है ये जसरोटा फाउंड करता है एक शहर, जो उसको ब्रदर को देता है करम देव। तो ये थी एक कहानी, हमने देखा देव डायनेस्टी की ओर, देव डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो था सुराज देव, सुराजदार जो है ये था फ्रंट ऑफ शाही रूल, तो काबुल ये मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सारी जंग इसने लड़े हैं। इसकी वाइफ जो थे वो था नीला रानी, उसने डिवाइड किया है एम्पायर, उसको 7 डिपार्टमेंट्स में जिनका हर एक हेड होता था वकील। उसके बाद आया ब्रिजदेव जो है उसने 70 years प्लस यहाँ पे रूल किया है, उसका ये भी शाही रूल काबुल का फ्रेंड था, तो इसको ये शबुक किंग जो था, जो फादर ऑफ गजनवी था, मतलब वो इसके फाइट में मतलब वहां पे गया, फाइट की उसके साथ, तो फिर वो मतलब मारा गया वहीं पे। तो इसके बाद करमदेव आया जो ब्रिजदेव का बेटा था, इसके बाद आया अवतार देव जो था उसका दो फ्रेंड मतलब उसका ब्रदर जो था प्रहलाद, वो भी फाइट करते करते महमूद गजनवी के साथ मतलब वो भी उसकी मतलब मृत्यु भी होगी, वो भी डेथ होगी। फिर इसके बाद आ गया मतलब इसने फर्स्ट अटैक किया था लेकिन महमूद गजनवी हार गए थे, उसके बाद सेकंड एक्ट किया और वो जीत गए थे। इसके बाद जसदेव आया तो जसदेव ने एक मतलब एक शहर बनाया जसरोटा, उसको अपने भाई को दिया जिसका नाम था करमदेव। तो यहाँ पे हमने देखा है कुछ रूलर्स के, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और कुछ रूलर्स के,
जैसे चकर देव, ब्रिज देवा, राजा ब्रिज देवा, मतलब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं पे हमारी देव डायनास्टी जो है खत्म नहीं होती है, कोई हम आगे पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म, मैं हूँ अयाज अहमद। हम पढ़ रहे थे देव डायनास्टी के बारे में, कुछ रूलर्स के मुताबिक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संग्राम देव की ओर से। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संग्राम देव। संग्राम देव जो है इसने 1053 टू 1094 AD तक इसने रूल किया है, और शाही डायनास्टी रूलर इन काबुल जो है ये इसके मतलब उस टाइम क्या हुआ था, रूल जो है वो एंड हुआ था उस टाइम जब संग्राम देव का मतलब दौर आया। तब क्या हुआ था, तब जो शाही डायनास्टी रूल इन काबुल था वो खत्म हुआ था। तो इस दौर में जो डोगरा और जो मैनी ट्राइबल्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे, क्योंकि जो काबुल का जो हिंदुस्तानी शाही था इन्होंने कुछ मतलब यहाँ पे कुछ जगहों पे अपने अंडर किए थे, और जब वो खत्म हो गया उनका जो सब वो सिलसिला वहां से खत्म हुआ, तो सम्पूर्ण जो शाही डायनास्टी जो काबुल पे मतलब थी उसका जो वहां पे ये खत्म हुआ, तो डोगरा और मैनी रूलर जो है वो ट्राइब्स इंडिपेंडेंट होने लगे। और जो इसने क्या किया अपने रूल में, इसने किंग मतलब जो कश्मीर का अवंता था, अवंता एट बलेवर जो है, इसने बलावर में अवंता को मतलब हरा दिया। इसके बाद यहां आया और एक किंग जिसको हम चक्रदेव बोलते हैं, जसाकारा जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं चक्रादेव। अब देखते हैं चक्रादेव जो है बहुत प्रॉब्लम उसको हुई है खोखार से। मैंने बताया था खोखार या कखर जिनको जो मतलब शिवालिक ट्राइबल्स में रहते थे, बहुत मतलब बहुत किस्म के रूट ये माने जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम उनको मतलब फेस करनी पड़ी। और जो ये चक्रदेव है इसने इनवाइट किया महमूद गोरी जो था वो था सन ऑफ महमूदी गजनवी जो मतलब अरब कंटेस्ट से आया था, ठीक सूर्या से आया था। हाँ, महमूद गजनवी जो था वो सूर्या से आया था, वो हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो है इनवाइटेड महमूद गोरी टू इनवाइट लोहार, ताकि ये लोहार को मतलब इनको मतलब मदद करने के लिए महमूद गोरी को, ताकि ये जो है लोहार करेंगे। और लेकिन खोखार से निपटने के लिए उन्होंने बोला था किसको, महमूद गोरी को। ठीक, उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था रानी परमेश्वरी जो जिसकी वाइफ थी, उसकी कौन सी चक्रदेव की जो वाइफ थी उसका नाम था रानी परमेश्वरी जो है उसने अपने वो मतलब एज पर हिस्ट्री उसने एंड किया लाइफ मतलब गंगा में उसने अपने खुद को खुदकुशी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रानी परमेश्वरी जो है उसकी याद में इसने टेम्पल्स बनाए जिसका नाम है दखी परेश्वरी जो बैंक्स ऑफ रिवर तवी में है। इसके बाद आया ब्रिजदेव 1164 से लेकर 1215 AD तक, और इसने सपोर्ट किया है गोरी महमूद गोरी को टू फाइट अगेंस्ट द पृथ्वीराज चौहान और इन द बैटल ऑफ तेहरान और इसको मतलब इस ब्रिज देव को मतलब इसने महमूद गोरी जो था इसने टाइटल लिखा दिया था उसको मैन जी उसको टाइटल मिला था किसको, ब्रिज देव को। और फाउंडेड ब्रिजपुर जिसको हम आज प्रेजेंटली विजयपुर कहते हैं, इसने फाउंड किया था विजयपुर जिसका नाम अभी हम बोलते हैं विजयपुर। ठीक, और फिर था नरसिंह देव इसने 1215 से लेकर 1258 AD तक यहाँ मतलब जम्मू में राज किया है, और इसने पृथ्वी चौहान का जो भाई था जिसका नाम था खंडे रॉय, और इसने बैटल ऑफ तेहरान है उसको मतलब उसको खत्म किया था। ठीक, और इसके बाद आ जाता है अर्जन देव
इसके बाद आता है जोधदेव, जोधदेव 1313 से लेकर 1361 AD तक आता है, और इसके मतलब उसका कंटेम्पररी जो था वो था फिरोज शाह तुगलक, जो दहली सल्तनत जो हम पढ़ेंगे खिलजी डायनास्टी, फिर हम पढ़ेंगे तुगलक डायनास्टी, वो हम वहीं पे पढ़ेंगे मतलब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक। उसके बाद आया था मालदेव। अब हम करते हैं और आगे देखते हैं, यहाँ से पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे एक रिकपिटुलेट हम देखते हैं। जो देव डायनास्टी का एक रूल आया है उसका नाम है संग्रामदेव। संग्रामदेव ने 1053 टू 1098 AD का रूल किया है, वो शाही डायनास्टी रूलर उस टाइम, याद रखना है किस टाइम पे जो शाही डायनास्टी रूल था काबुल में वो खत्म हुआ है, संग्राम देव के टाइम में। और दो ग्रैंड अदर जो है ट्राइब्यूट्स वो इंडिपेंडेंट हो गए थे ज्यूरिंग विच रूल, ज्यूरिंग संग्राम देव रूल, ठीक। इसने किंग कश्मीर, कश्मीर का जो किंग था राजा था अवंता को किसके हराया था, इसने संग्राम देव ने। इसके बाद आया था चक्रदेव। चक्रदेव जो मतलब फेस हुए बहुत सारे प्रॉब्लम खोखार की साइड से, किसने इन्वाइट किया था महमूद गोरी को टू इन्वाइट द लोहार, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है चक्रदेव। हाँ, इसने मतलब क्यों किया था, इसने बोला था मैं लाहौर के लिए आपको मदद करूंगा और आपको डील करनी है खुखारा के साथ। और इसकी वाइफ आई है रानी पशावरी, राणा रानी पश पर परेशमिवरी, परेशमिवरी जो है वो इसने एंडेड लाइफ किया अपनी गंगा में, और टेम्पल दक्षिण परेशमिवरी जो ये बंगसा परिवर्तनी में है। इसके बाद सपोर्ट किया मतलब महमूद गोरी को अगेंस्ट द पृथ्वी चौहान, अगेंस्ट पृथ्वी चौहान, अगेंस्ट रॉयल पृथ्वी चौहान और बैटल ऑफ तेहरान में, तो इसको मैन जी का नाम से भी पुकारा जाते हैं। और इसने फाउंड किया है एक शहर बजपुर जिसके विजयपुर के नाम से भी जानते हैं, और नरसिंह देव 1215 से लेकर 1258 AD तक। और इसने किल किया है किसको, पृथ्वीराज ब्रदर खंडे रॉय को बैटल ऑफ तेहरान में। और इसके बाद आ जाते हैं अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद आते हैं जोधदेव, जोधदेव के बाद आते हैं कंटरनी जो जिसका है फिरोज शाही तुगलक, ठीक, दहेज सुल्तान का। इसके बाद आते हैं मालदेव। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते हैं अगले लेक्चर में कुछ और डायनास्टी के मुताबिक। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। खुदा हाफिज। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म, मैं हूं अयाज अहमद। तो हमारा जो लेक्चर कंप्लीट जो चल रहा है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू। हमने पिछले आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे वो है देव डायनास्टी, देव डायनास्टी। पिछले लेक्चर में हम जोधदेव के बारे में हमने देखा था जोधदेव, तो आज हम कर रहे हैं स्टार्ट एक और रूलर जो देव डायनास्टी का है जिसका नाम है मालदेव, जिसका नाम है मालदेव। मालदेव ने 1361 से लेकर 1400 AD तक रूल किया है, 1361 से लेकर 1400 AD तक रूल किया है मालदेव ने जम्मू में, ठीक। तो ये जो है जो प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है, मतलब फेमस एक है यहाँ पे मालदेव जो प्रोमिनेंट है यानी मशहूर है, एक है रणजीत सिंह, रणजीत देव, रणजीत देव हम बनेंगे रणजीत देव, रणजीत सिंह नहीं, सॉरी हम रणजीत सिंह अलग हैं, रणजीत सिंह अलग हैं और रणजीत देव अलग हैं, रणजीत देव जो हम अगले आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो अब जो ये यहाँ पे है मालदेव, मालदेव जो है मालदेव 1361 से लेकर 1400 AD तक इसने यहाँ पे रूल किया है, प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है। और इसने जो है उस टाइम पे, उस टाइम पे जब इसका मतलब दूरी हुकूमत चल रहा था मालदेव का, तब तैमूर जो है तैमूर ने बहुत हमले यहाँ पे किए थे जम्मू में, तो इसने इसका मतलब फेस किया है, जो इसने अटैक्स किए थे उसका अच्छे से स्ट्रांगली फेस किया था मालदेव ने, यानी उसको यहाँ पे रूल करना नहीं दिया, ठीक। उसके बाद है उसने वेलफेयर ऑफ पीपल उसके लिए इसने काम किया है देव मतलब इसने मालदेव ने, और इसी ने जो मालदेव है इसी ने जो जम्मू है वो एज ए कैपिटल जो करार दिया है वो दिया है मालदेव ने। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बनता है कि किसने जम्मू को एज ए कैपिटल दिया है, वो है मालदेव, वो है मालदेव। और इस पीडियर को गोल्डन पीडियर भी कहा जाता है, किस पीडियर को, मालदेव, मालदेव का जो पीडियर है जो 1361 से 1400 AD तक जो पीडियर है उसी को गोल्डन पीडियर भी कहते हैं। और इसने बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़े हैं, हाँ, तो वहां पे भी हमने देखा जो खोखार से
ये वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, और जो मालदेव है इसने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है खोखार से। और इन ऑर्डर तो यहाँ पे क्या प्रोमिनेंट लीडर जो थे सरपाल और मलिक श्राका जो थे, इन्होंने ये जो थे ये कंटेम्पररी थे, कंटेम्पररी यानी कि तब ये लीडर्स प्रेजेंट थे सरपाल एंड मलिक शाका, किनके लीडर्स खोखार्स के। और जो मलिक शाका है इसने फाइट भी की है अगेंस्ट मालदेव, इसने फाइट भी की है अगेंस्ट मालदेव। और जो मालदेव था तो यहां से भी पता चलता है उसने मतलब जो तैमूर है इसको भी जम्मू में आने नहीं दिया, तो स्ट्रांगली था तो सिंपली उसने एक्सटेंड की है अपनी जो किंगडम थी जम्मू किंगडम, इसने एक्सटेंड की और आगे और बढ़ा दी थी। उसके बाद आया हमारदेव, उसके बाद आया हमारदेव, 23 ईयर्स तक इसने रूल किया है, 400 एडी से लेकर 423 एडी तक हमारदेव ने रूल किया है। ज्यूरिंग दिस रूल जो मोहम्मद तगलुक जो दिल्ली का था उस टाइम जो कंटेम्पररी था, यहाँ पे जो मतलब दिल्ली सुल्तानेट मतलब जो दिल्ली का सुल्तान दिल्ली का रूलर उस टाइम था वो था मोहम्मद तगलुक, और जो कश्मीर का रूलर था वो था अली शाह, यानी उसके दौर में जब यहाँ पे जम्मू में हमारदेव रूल करता था तब दिल्ली में कौन रूल करता था मोहम्मद तुगलक, और जो कश्मीर है इसमें कौन रूल करता था अली शाह। और इसको टाइटल फ्रॉम दिल्ली यानी कि इसको टाइटल दिया गया है रॉय भीम, यहाँ पे लिखना मैं भूल ही गया, रॉय देव जो रॉय भीम जो है इसका टाइटल है किसका, हमारदेव का। ये किसने दिया है, ये दिया है दिल्ली सुल्तानस यानी मोहम्मद तुगलक जो था इसने इसको टाइटल दिया था रॉय भीम। और मतलब इसने ज्वाइन किया है बहुत सईदाज जो मतलब सईदाज ये रूलर्स थे उसके साथ इसने किया था मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे हैं इन ऑर्डर टू फाइट अबाउट द खोखार्स, क्योंकि खोखार्स हर एक हमने देव डायनास्टी में देखे, पूरे देव डायनास्टी में खोखार्स ने मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है ना, बहुत सारे अटैक्स किए हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर रूल तो इसने क्या किया है, इसने सईद जो है इसने ज्वाइन किया है इनके साथ, ठीक फ्रेंड रिलेशनशिप रखे है। तो इसके बाद क्या आया अजब देव जो था वो 1424 से लेकर 1454 तक यानी कि 30 ईयर्स तक इसने यहाँ पे रूल किया है, ठीक। तो यहाँ पे अजीब देव आता है, अजीब देव 1454 तक आता है और इसने इम्प्रूव की है, इसने इम्प्रूव किया टू सम एक्सटेंड डोगरा खोखार रिलेशनशिप, इसने टू सम एक्सटेंड मतलब उसको बैलेंस रखने की कोशिश की है। और इसने क्या किया, इसने एक्सटेंड की अपनी जो ये किंगडम थी जम्मू राजधानी जो थी मतलब इसने एक्सटेंड की अप टू गुजरात इन द वेस्ट, मतलब गुजरात तक इसने अपनी जो हुकूमत है ये एक्सटेंड की है अपने दौर में। और इसने फ्रेंडली विथ कश्मीर रूलर्स, और ये फ्रेंडली था कश्मीर रूलर्स के साथ भी, कश्मीर रूलर्स के साथ भी ये फ्रेंड रिलेशन में था, ठीक। फिर इसके बाद आया बाय रामदेव जो है इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे विथ बहलो लोदी कौन था, ये था लोदी डायनास्टी जो कहां पे चल रही थी दिल्ली में, इसने इसके साथ फ्रेंड रिलेशनशिप रखे बहलो लोदी के साथ, किसने इस राम बाली रामदेव ने, इसलिए टू एलिमिनेट खोखर चीफ जिसरा था इस टाइम में जो चीफ था जो हेड था जो कमांडर था किसका, इस खोखार डायनास्टी का, इस खोखार जो ये खोखार कम्युनिटी थी ये डायनास्टी थी खोखार जो थी, इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनका चीफ को एलिमिनेट करने के लिए इसने मदद किससे ली यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप किससे रखी, लोदी डायनास्टी से, ठीक। उसके बाद मैनी सैंडस उसके दौर में आए, इसके पीरियड में आए भाई राम देव के पीरियड में, एक आया सैयद कुतुब आलम आया था यहाँ पे, और जिसको मतलब जो उसके बिलीव मतलब उसको मानते थे उसके मानने वाले उसके चाहने वाले उसके उसके बाद जाने वाले वो उसको जब भी वहां पे जाते थे वो अपने साथ शुगर कैन जो है वो लेके जाते थे, और इसको इसीलिए बोलते हैं पीर मीठा, किसको बोलते हैं पीर मीठा, सैयद कुतुबुल आलम ये कहां पे है, ये सेटल हुआ है जम्मू में है, ठीक। उसके बाद है जोगी गरबदास जो भी गरबदास जो है जो भी जोगी गरब
द्रास जो है वो भी आया है किसके टाइम में, बाई रामदेव के बारे में। उसके बाद आता है गुहार देव जो है 1500 से लेकर 1530 AD तक रूल करता है। इसकी फ्रेंड रिलेशनशिप होती है बाबर के साथ। बाबर जो है वो मुगल एम्पायर का मतलब ये जो दिल्ली है उस टाइम का जो मतलब रूलर होता है उसका नाम होता है बाबर। बाबर के साथ ये फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है इसलिए कि खोखार के साथ मतलब उनका मतलब अटैक जो है वो उनको फेस कर सके। ठीक, तो इसका मतलब फिर टाइटल मिलता है असा खान जो है टाइटल मिलता है गुहार देव को। कौन देता है इसको, यही दिल्ली सुल्तान। ठीक, तो फिर जो है मैसिव अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक बड़ा अर्थक्वेक आता है जम्मू में जिसकी वजह से लॉस ऑफ मतलब पीपल्स एंड प्रॉपर्टी और पीपल्स की लॉस होता है जम्मू में। और जो ये है ये एक मतलब एक तरह से मतलब चालाक भी एक ये गुहार देव जो था ये चालाक था। क्यों? क्योंकि ये जो इसको लगता था मतलब मुझे अटैक करने वाले हैं जो इन्वेडर्स होंगे जो आपस नेबरिंग होंगे मतलब जैसे कि उसको लगता है कश्मीर से या उसको लगता है दिल्ली से मुझे अटैक मतलब चांसेस हैं, तो इसको ये गिफ्ट्स यहां से भेजते थे ताकि उनके साथ एक फ्रेंड रिलेशनशिप रखे। और फिर क्या इसने डिक्लेयर किया है हिमसेल्फ राजा ऑफ द हिल्स। अब हम देखते हैं एक सैंपल से एक जल्दी जल्दी में हम पढ़ते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। जो देव हमने कल पढ़ा था आज हमने पढ़ा है देव डायनेस्टी का मालदेव। मालदेव ने 1361 AD से लेकर 1400 AD तक क्या किया है, रूल किया है और प्रोमिनेंट यानी मशहूर ये भी है और रंजीत देव भी है, प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है। और इसने तैमूर के साथ बहुत बार लड़ाई की है और इसको यहाँ पे आने नहीं दिया है जम्मू में। और ये वर्क करता था फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोगों के लिए काम करता था यानी अच्छा रूलर था। तो इसका इसने जो कैपिटल जम्मू बनाई है वो किसने बनाई है, वो मालदेव ने बनाई है अपने दौर में अपने रूल में। और इस पीरियड को गोल्ड पीरियड भी कहते हैं। और इसने फेस किए हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स खोखार से। खोखार जो है जो मतलब बैंक्स ऑफ जहलम एंड रवि के आसपास रहते थे वो थे खोखारस। और फेस किए हैं बहुत सारी प्रॉब्लम उस खोखारस की ओर से। और यहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर जो खोखारस का था वो था सरपाल और मलिक शिव का मतलब सरपाल कंटेम्परेरी था यानी इस दौर में प्रेजेंट था। और मलिक शाका जो है इसने बहुत सारी फाइट भी है इवन मतलब अटैक्स भी किए हैं किसको मालदेव पे। और इसने एक्सटेंड किए हैं अपने किंगडम क्यों सैंपल यहां से पता चलता है कि ये जो था ये स्ट्रांग रूलर था ये हमने पढ़ा है मालदेव के बाद। इसके बाद आया हमारे देव ने 1400 से लेकर 1423 AD तक क्या किया है, रूल किया है। ज्यूरिंग ये कब इसने रूल किया है, जब मोहम्मद जो तगलुक है वो दिल्ली का सुल्तान था और जो अली शाह था वो कश्मीर का सुल्तान था। इसको टाइटल दिया गया है मतलब टाइटल इसको दिया गया है रॉय भीम। मैंने अभी बताया रॉय भीम कहां से उसको मिला है, वो ये मिला है उसके मोहम्मद तगलुक दिल्ली सुल्तान से। ठीक, उसने ज्वाइन किया है सईद से इसीलिए ताकि ये खोखार जो मतलब है खोखार जो है उनके साथ मुकाबला कर सके। उसके बाद आया अजीब देव जो है इसने 1424 से लेकर 1454 AD तक हुकूमत की है। इसने इम्प्रूव किया है खोखार रिलेशनशिप विद द डोगरा तो मतलब टू सम एक्सटेंड बैलेंस रखने की कोशिश की। और इसने एक्सटेंड किए हैं अपनी हुकूमत अप टू गुजरात मतलब इन द वेस्ट। ठीक, उसके बाद उसने फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रखी है कहा कश्मीर लोगों के साथ। और इसके बाद जब अजब देव खत्म हुआ था मतलब इसकी मृत्यु भी इसकी डेथ हो गई है तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे एक मतलब तफरीक जैसी मर जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाता है कौन बाई रामदेव जो है ये फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं बहलोल लोधी के साथ जो था लोधी डायनास्टी का रूलर जो दिल्ली में उस टाइम रूलर था। ठीक, तो एलिमिनेट खोखार चीफ ताकि ये जसराज जो है वो था उसका खोखार चीफ था उस टाइम इसके साथ लड़ने के लिए जो है ये रिलेशन रखता है लोधी डायनास्टी के साथ। और बहुत सारे सेंट्स आए थे जिनमें फेमस है सैयद कुतुबुद्दीन आलम जिसको और किसके नाम से पुकारते हैं पीर मीठा के नाम से और दूसरा था जोगी गरब द्रास
जो दूसरा सैंट है जो यहाँ पे आया था जम्मू में, उसके बाद है गुहार, गुहार देव 1500 से लेकर 1530 तक इसने यहाँ पे रूल किया है। इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे हैं विद बाबर। बाबर कौन था? वो सुल्तान था कहाँ का? दहली, दहली का, जो मगल एम्पायर का था, मतलब मगल एम्पायर से बिलोंग करता था। तो जो ये गोहा देव है उसको टाइटल मिला है असा खान। तो इसने मैसूर को एक वहां पे आया था उस दौर में जब किसका पीरियड चल रहा था, गोहा देव का। और इसने ये सेंट्स को मतलब सेंट गिफ्ट करते थे इन्वेडर्स को, जहां उसको लगता था मेरे दुश्मन है तो मतलब मुझे यहाँ पे चांस है, मुझसे क्या हो जाए, चांस है यहाँ पे मुझे ये लोग अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन, गुड रिलेशन रखता था और इसने डिक्लेयर किया था हिमसेल्फ एज अ राजा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हुए, इस देव डायनास्टी को। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म, मैं हूँ अयाज अहमद और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ दिनों से देव डायनास्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने गोहार, जो गोहार देव था, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कापोर देव के बारे में। कापोर देव, देव डायनास्टी, कापोर देव, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जे की हम। ठीक, तो कापोर देव जो था इसने 1530 से लेकर 1571 AD तक रूल किया। इसने 1530 से लेकर 1571 AD तक रूल किया। इसने अपने किंगडम्स को, अपने किंगडम को इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, बाहु एंड जम्मू। बाहु एंड जम्मू, बाहु इसने इसका वहां का किंग बनाया, जगदेव इसका एक बेटा था, दूसरा संभाल देव जम्मू का। ठीक, तो फिर इसके बाद जो है इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप रख के विथ मगल्स, मगल्स के साथ इसके फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे। 1703 जो था, मतलब 1703 तक, मतलब मोस्टली उनकी जो फिर रिलेशंस रही वो मतलब मगल्स के साथ थोड़ा ठीक ही रही तो सम एक्सटेंड। तो ये था कुपोर देव, 1530 से लेकर 1571 AD तक इसने रूल किया। इसने अपने किंगडम्स को देशों में डिवाइड किया है, बाहु एंड जम्मू। बाहु का नाम, बाहु का किंग उसने जगदेव बनाया, जम्मू का उसने संभाल देव बनाया। तो फ्रेंडली था विद मगध। और इसके बाद आता है जगदेव। जगदेव जो है ये प्रॉब्लम्स मतलब ये बनता है कब तक, टिल 1594 तक कौन रूल करता है, जगदेव। इसको प्रॉब्लम हो जाती है मगल्स के साथ और ये करता है रिवोल्ट अगेंस्ट मगल गवर्नर सादिक खान। गवर्नर मगल, मगल गवर्नर जो सादिक खान होता है, इसके साथ उसको रिवोल्ट भी होता है अगेंस्ट। ठीक, और गवर्नर, ठीक, गवर्नर, ठीक। तो मगल आर्मी जो है, जैसे मतलब शेख फरीद एंड जो हसन बैग है, तो मतलब यहाँ पे सक्सीड हो जाते हैं। जो इसका ब्रदर होता है जिसका नाम होता है लाल देव, मतलब वो मगलस के साथ मिलके फिर ये हो जाता है खत्म। ठीक, जगदेव, जगदेव को मारा जाता है। इसके बाद आता है समाल देव। सिंपल 4 ईयर्स तक ये रूल करता है, 1590 से कल 1594 तक जगदेव ये करता है रूल, संभाल देव। तो सिंपली शॉर्ट पीरियड तक ये रूल करता है। उसके बाद आता है संग्राम देव। संग्राम देव, संग्राम देव जो है उसकी गुड रिलेशनशिप होती है मगल से। ठीक, मगल्स के साथ इनको गुड रिलेशनशिप रहती है और ये सपोर्ट उस टाइम पे, जो कंटेम्प्टरी होता है, जो इसके टाइम में जब हमारे पास आता है ये संग्राम देव, उस टाइम पे जो यहाँ का किंग होता है वो होता है मगल्स का, जो होता है वो होता है जहांगीर, और ये जहांगीर के सपोर्ट में काम करता है। और 1594 से लेकर 1626 तक ये रूल करता है, यानी कि दैट मीन्स 30 ईयर्स तक, 1590 30 ईयर्स तक ये रूल करता है कौन, संग्राम देव। क्यों करता है? क्योंकि इसको मगध के साथ अच्छा था, तभी तो ये रूल कर पाता है इतने टाइम तक। तो फिर आता है बहुपत देव जो है ये करता है टिल 1656 तक। ये आता है कंटेम्पररी ऑफ शाही जहां, तब ये रूल करता है, तब ये जम्मू का रूल करता है बाबा सिंह, जब मगल्स का बादशाह कौन रूल करता होता,
शाहजहां, ठीक। इसके बाद आता है हरिदेव। हरिदेव जो है वो टिल 692 तक रूल करता है। तो यहाँ पर कंटेम्पररी जो होता है वो होता है औरंगजेब। उसके बाद आया गाजी देव जो है टिल 1703 तक। तब उस दौर में, उस टाइम पे, गाजी देव के टाइम पे 1703 में गुरु गोविंद सिंह जो है, जो 10th सिख ये है, तो वो यहाँ पे विजिट करता है जम्मू में, ठीक, गुरु गोविंद सिंह, ठीक। उसके बाद आता है दहरू देव जो है टिल 1733 तक रूल करते हैं, टिल 1733 तक। और ये गेव शेल्टर देता है किसको, सिख वॉरियर को, बंदा बहादुर को, एंड हेल्प करता है टू राइज अगेंस्ट मगल्स। तो मगल्स रूल यहाँ पे, मतलब मगल्स को खत्म करने के लिए। तो हमने इससे पहले जो लेक्चर देखा था वहां पे भी, हमने जब हैशरा कश्मीर पढ़ी थी तब हमने देखा था, जो है हरी सिंह जो है उसका रूल भी खत्म हो जाता है, इसका रूल भी खत्म हो जाता है, तभी इसी का रूल आ जाता है, मतलब तब ये करते हैं मगल्स को सपोर्ट करते हैं और ये इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है, खुद को कहते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जल्दी में, पहले आते हैं हमारे पास देव डायनेस्टी में, जो अभी हमने पढ़ा है वह है कपर देव। इससे पहले हमने गोहार देव तक पढ़ा था। कपर देव 1530 एडी से लेकर 1571 एडी तक ये अपने रूल को, अपने किंगडम्स को डिवाइड करता है, बहु जगदेव के ओर देता है, उसको हाथ में देता है और जुम्मू संभाल देव को देता है, और उसकी जो रिलेशन होती है फ्रेंड रिलेशन होती है इसके साथ, मगलस के साथ। इसके बाद आता है जगदेव जो है उसको प्रॉब्लम हो जाते हैं मगलस के साथ, और फिर शेख फरीदुद्दीन और हसन बैग जो है ये इसको हरा देते हैं, और फिर ये मतलब इसकी जो है मृत्यु भी हो जाती है, यानी इसकी डेथ हो जाती है, मतलब किसकी वजह से, जो इसका लाल देव होता है वो सपोर्ट करता है मगलस को। इसके बाद आया संभाल देव का फोर्थ शॉर्ट पीरियड होता है 1590 से लेकर 1594 तक, यानी 4 इयर्स तक ये राज करता है। इसके बाद आता है संग्राम देव गुड रिलेशनशिप बिटवीन मगल्स रखता है और जहांगीर को ये करता है, सपोर्ट भी करता है, और इसकी जो हुकूमत रहती है 30 इयर्स तक रहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1594 से लेकर 1626 है। इसके बाद आए बहपुत देव जो है टिल 1656 तक रूल करता है, तब जो मगल्स एम्पायर का इसके दौर में होता है वो होता है शाहजहां। इसके बाद आता है हरिदेव 1656 से लेकर 1692 तक रूल करता है, तब जो कंटेम्पररी इसका होता है वो होता है औरंगजेब। उसके बाद आता है गाजी देव, वो करता है 1692 से लेकर 1703 तक वो रूल करता है, तब यहाँ पे मशहूर एक जो गुरु आता है गुरु गोविंद सिंह आता है, जो विजिट करता है जम्मू। उसके बाद आता है दहरू देव टिल 1703 से लेकर 1777 तक रूल करता, 1733 तक रूल करते हैं, और ये शेल्टर देते हैं सिख वॉरियर को, बंदा बहादुर को, ताकि ये हेल्प करे उसको अगेंस्ट किसके, मगल्स, एक बिकम्स इंडिपेंडेंट रूल। अब हम पढ़ते हैं रंजीत सिंह के बारे में, रंजीत सिंह और बाकी जो रूलर्स हैं। अब हमने देखा है, अब देखते हैं और आगे महाराजा रंजीत देव के बारे में। महाराजा रंजीत देव जो था ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर रूलर था। अभी हम देखेंगे वजह भी, मतलब ये क्यों था प्रोमिनेंट लीडर, ठीक। तो ये था इक्वलिटी, मतलब हर एक बंदे को इक्वलिटी ट्रीट करता था। और इसके बाद जो मतलब बैन, उसने सती को बैन किया है अपने दौर में, ठीक। उसके बाद जो है पोएट्री भी करता था खुद भी। तो अफगान रूल तब, जब ये रूल इसने किया है 1725 से लेकर 1781 में, तब जो कश्मीर में उस टाइम अफगान का क्रिविलिटी रूल भी चल रहा था। तो मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर, जब हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ा था वहां पे मैंने देखा था, बताया था महाराजा रंजीत देव जो है इसको जब तरस आया था कश्मीर पे, तो इसने एक मतलब अटैक किया था, लेकिन करमदत्त खान जो है तो वो यहाँ पे जीत ही नहीं पाया था। करमदत्त खान जो था उस टाइम रूलर था अफगान का, मतलब अफगान रूलर था कश्मीर का। उसके बाद आया ब्रिज रॉय देव,
इकोनॉमिक उसके टाइम बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे इन्वेडर्स हुए, इन्वेडर्स ने मतलब अटैक किया यहाँ पे। तो तब हमारे पास जो है ब्रिजदेव आया, और ब्रिजदेव जो है इकोनॉमी स्लो हो गई, और जनरल मीन मोटा मोता जो है इसने हेल्प किए जनरल मीन मोता ने किसको, ब्रिज रॉयदेव को, और ये फिर मारा गया ब्रिज रॉयदेव। इसके बाद आता है संपूर्ण देव। संपूर्ण देव जो आता है वो आता है 1789 से लेकर 1799, यानी कि 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स मतलब के आसपास ही यहाँ पर रूल करता है जम्मू में। फिर आता है जीत सिंह जो लास्ट रूलर होता है। अब देखते हैं यहाँ तक हमने क्या देखा। हमने देखा महाराजा रणजीत सिंह जो है 1725 से लेकर 1781 तक इसने रूल किया है। ये इक्वलिटी यानी कि वो मतलब अच्छा इंसान था, ठीक था, और इसने सती पर बैन भी की थी, ये पोएट भी था, मतलब पोएट्री में बहुत सारा उसका शौक था। और अफगान रूल तब जब ये महाराजा रणजीत सिंह जो मतलब जम्मू पे रूल करता था, जब इसकी कंटेम्पररी यानी कि उसके मतलब यहाँ पर कश्मीर में किसका रूल चल रहा था, अफगान का रूल चल रहा था जो था करीम दत्त खान। उसके बाद आया ब्रिज रॉय देव जो इकोनॉमी उस टाइम स्लो हो गई थी, तो जनरल मीन मोता ने इसकी हालत की, लेकिन ये है ब्रिज रॉय देव ये मारा गया। इसके पास आया संपूर्ण देव ने 1789 से लेकर 1799 तक रूल किया, यानी 10 ईयर्स तक उसने रूल किया एटलीस्ट। और इसके बाद आता है जीत सिंह जो लास्ट रूलर। जो बैटल ऑफ जम्मू जो होते हैं इसको हम बोलते हैं गुमत वार, जो 1808 बिटवीन राजपूत और सिक्स हो जाते हैं, तो वहां पर जो राजपूत हैं वो हारते हैं और सिक्स जो है वो जीतते हैं। तो फिर जो गुलाब सिंह यहाँ पे एक वॉरियर जो उठता है, तो इसको जो महाराजा जो यहाँ पे होता है रंजीत सिंह जो है लाहौर दरबार का होता है, वो इसको अपॉइंट करता है एज ए कमांडिंग ऑफिसर, और इससे यहाँ पे सिख जो है वो एंटर करता है कश्मीर में, जो सिख होते हैं वो करते हैं एंटर कश्मीर में, और जो लोकल होते हैं वो अगेनेस्ट हो जाते हैं इसके मतलब गुलाब सिंह के। और फिर जो मैन दीदो होता है वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, तो मतलब लड़ते लड़ते इसके साथ गुलाब सिंह के साथ, और गुलाब सिंह जो है उसको मतलब टाइटल मिलता है फिर राजा इन 1822 में, और ये कंकर करता है पुंछ, राशी, लद्दाख, बलिस्तान, राजौरी, एंड वो बिकम हो एक फिर बनता है रूलर ऑफ जम्मू। तो जो फिर जब ये जम्मू का बन जाता है, तो फिर हमने देखा जो महाराजा गुलाब सिंह होता है ये क्या करता है, तो फिर ये ईस्ट इंडियन कंपनी जो होती है उससे जम्मू एंड कश्मीर जो है 7.5 मिलियन मतलब रुपीज से खरीद लेता है, तो फिर ये बनता है फर्स्ट महाराजा प्रिंसली ऑफ स्टेट। इसके अलावा हमने देखा था आगे फिर मतलब इसके मतलब कुछ और जो रूलर्स आते हैं, जैसे प्रताप सिंह है, रणबीर सिंह है, हरी सिंह जो इसका लास्ट रूलर आता है, तो फिर इसके बाद मतलब जब हरी सिंह आ जाता है फिर उसकी जो ये है मतलब जो हुकूमत है वो कम होती जाती है, उनका जो रूल है डायनास्टी रूल जो मतलब इनका जो महाराजा गुलाब सिंह के आते हैं तो वो जो है कम होता जा रहा है, और इसके बाद उसका मतलब खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं वहां से शेखुल्ला जी का मतलब वहां पे आते हैं कश्मीर क्वाइट मूवमेंट, कश्मीर मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा। हमने देखा महाराजा रंजीत सिंह जो है वो इक्वलिटी करता है, वो मतलब रहमदीन इंसान था, बैन उसने सती पर लगाई, वो पोएट मतलब शायरी को पसंद करता था और मतलब खुद भी पोएट्री लिखता था, और अफगान रूल जो है उस टाइम कश्मीर में चल रहा था, कौन किसका रूल चल रहा था, करीम दत्त खान। और जब उसने किया था पहला यहाँ पे मतलब कोशिश की थी, जब उसने देखा था अफगान का जुल्म, तो ये यहाँ पे आया था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। कि इसके बाद आया ब्रिज रॉय देव जिस इकोनॉमी उस टाइम स्लो हो गई थी, फिर जनरल मेन मोटो जिसने उसको हेल्प की थी उसके दौरान, लेकिन फिर ये मारा गया। तो इसके बाद आ गया है संपूर्ण देव जो है वो आया 1780
1989 से लेकर 1799 तक, यानी 10 इयर्स तक इसने रोल किया है। उसके बाद आया जीत सिंह जो लास्ट रोल है, फिर हमने देखा है बटल ऑफ जम्मू हो गया, सिख मतलब राजपूत और सिख के दरमियान, वहां राजपूत हार गए और सिख जीत गए, और जब सिख जीत गए वहां जो गुलाब सिंह था वो एज अ वॉरियर वहां पे उठ गया, यानी मशहूर एक अफसर मतलब मशहूर वहां पे हो गया। और जब हमारे पास जो रणजीत सिंह है जो लाहौर दरबार का है, इसने इसको अपॉइंट किया है एज ए ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद सिख यहाँ पे जम्मू में एंटर हो गए, उनके एंटर यहाँ पे हो गया, फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद तो इसको मिल गया है टाइटल, किसको, राजा किसको, गुलाब सिंह को। और ये कंकर करता है अपने अंडर पहुंचे रहसी लद्दाख बलिस्तान राजौरी एंड वो बिकम द रूलर ऑफ जम्मू। और इसके बाद ये बनता है महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1846 जब बंड लाख तेहरान हो जाते हैं, उसके बाद ये बनता है महाराजा। तो यहाँ तक यहाँ पे हो गई हिस्ट्री ऑफ जम्मू खत्म। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म।